हेलो बच्चों, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 1 हिंदी। पेज नंबर 21। ओके, एंड आई होप आप सब ने होमवर्क किया होगा जो हमने पिछली बार पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? बिना मात्रा वाले शब्द और वाक्य, है ना? ओके, नेक्स्ट। चलिए, मधुबनी चित्रकला दिख रहा है आप सबको? यहाँ पे चित्र दिया गया है, पेड़ है, उस पे पत्ते हैं, है ना? बादल बना हुआ है, हाथी है, तालाब है और उस पे मछलियाँ तैर रही है। दिख रहा है आप सबको? थोड़े थोड़े कलर पूरे हुए हैं और थोड़े बाकी है, है ना? तो आपको इसमें कलर भरने हैं। मधुबनी चित्रकला मतलब ये जो चित्रकला है वो बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। इसमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक कलर्स का उपयोग होता है। प्राकृतिक कलर मतलब जो हमें नेचुरली दिखने को मिलते हैं, प्रकृति में देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब मतलब गहरे रंग, जो डार्क वाले होते हैं वो। इसमें ब्लैक भी आएगा, काला, ये सब प्राकृतिक रंग है, है ना? तो ये सब कलर से हमें ये चित्र पूरा करना है और इसमें रंग भरने हैं। ये प्राकृतिक कलर हमें प्रकृति, जीव जंतु, वृक्ष, वृक्ष में पेड़, नदियाँ, इन सब ने देखने को मिल जाते हैं, जो हमें कुदरत से मिलते हैं। ये सारे क्या बोलते हैं हम? नेचुरल कलर्स। दिख रहा है आप सबको? है ना, जैसे सूर्य होता है वो पीले रंग का होता है, पेड़ होता है तो वो हरे रंग का होता है, तालाब या नदी जो भी है हैं वो नीले रंग का होता है, है ना? ये सब प्राकृतिक कलर है, ये सब गहरे कलर के रंग होते हैं। आया समझ में आप सबको? अच्छा, तो इसमें आपको कलर भरने हैं। ओके, टर्न अ पेज। अब है आपकी आ की मात्रा। क्या है आ की मात्रा? पहले क्या आता है? अ, है ना, जिसमें कोई मात्रा होती नहीं है, वो हमने पढ़ लिया। ये है आ की मात्रा, जिसके पीछे ये मात्रा लगती है। दिख रहा है आप सबको? अपनी बुक में देखिए। चलिए आइए पढ़ते हैं। ये है गाजर। दिख रहा है आप सबको? ग को मात्रा लगी है, गाजर। फिर है तारा। त को और र को दोनों को मात्रा लगी है, तारा। टमाटर, म को मात्रा लगी है, दिख रहा है आपको? अलग से हाईलाइट किया हुआ है, देखिए टमाटर। फिर है छाता। छ और त दोनों को मात्रा लगी है, छाता, है ना? चलिए मेरे साथ बोलिए, गाजर, तारा, टमाटर, छाता। आया समझ में? यह है आ की मात्रा। चलिए आगे समझिए और पढ़िए। क्या समझना है आपको? ये मात्रा कहाँ पे और कैसे, किन शब्दों में लगेगी वो। यह है कान, तो क के पीछे मात्रा लगी है, कान। पान, जान, इन सब में मात्रा पीछे लगी है, शब्द के पीछे, ये जो व्यंजन है उसके पीछे मात्रा लगी है।
दिख रहा है आप सबको, क के पीछे, प के पीछे और ज के पीछे, मतलब कान पान जान, है ना। फिर दूसरी लाइन हवा, इसमें दूसरा व्यंजन है शब्द का, उसके पीछे मात्रा लगी है। पहले में पहले शब्द के पीछे लगी थी, ये दूसरी लाइन में दूसरे शब्द के पीछे है, इसको बोलते हैं कान, और ये नीचे जो है उसे बोलते हैं हवा, दूसरा जो व्यंजन है उसके पीछे लगी है। दिख रहा है आप सबको, हवा दवा तवा, ये क्या था कान, ये हवा, ये पीछे था, ये पहले सब व्यंजन के पीछे, ये दूसरे व्यंजन के पीछे, है ना। अब तीसरा, इसमें पहले और दूसरे दोनों व्यंजन के पीछे मात्रा लगी है, दिख रहा है आप सबको। चलिए, काला भाला माला, है ना, ये क के पीछे और ल के पीछे, मतलब दोनों व्यंजन के पीछे मात्रा लगी है। पहले में पहले व्यंजन के पीछे थी जो था कान, फिर दूसरी लाइन में दूसरे शब्द व्यंजन के पीछे था, बना हवा। फिर तीसरी लाइन में दोनों व्यंजन के पीछे थी, मतलब काला, आया समझ में। अब आगे चौथी लाइन, ये तीन व्यंजन वाले शब्द है, इसमें तीन व्यंजन का उपयोग है, ब है ह है और र है। ऐसे आगे आगे जाएंगे तो ज़्यादा सब व्यंजन वाले शब्द आएंगे, ओके। इसमें है पहले व्यंजन के पीछे लगा है बाहर, फिर चावल, फिर दावत, आया समझ में। पहले पहले व्यंजन के पीछे थी, फिर दूसरे व्यंजन के पीछे, फिर दोनों व्यंजन के पीछे, और चौथी लाइन में पहले व्यंजन के पीछे, और ये तीन व्यंजन वाले शब्द है। चलिए साथ में, कान पान जान, हवा दवा तवा, काला भाला माला, बाहर चावल दावत, ओके, आया समझ में। ये सब क्या थे, आ की मात्रा वाले शब्द। आगे क्या है, पढ़ना है। चलिए पहले सुनिएगा, बादल बरसा, इसमें देखिए पहले व्यंजन के पीछे है और दूसरे शब्द में आखिरी व्यंजन के पीछे, बादल बरसा, जिसके पीछे मात्रा लगी होती है उसे सा ऐसे बोलते हैं, का खा गा, आया समझ में। अच्छा चलिए, आसमान पर बादल छाया, उमड़ उमड़ कर बादल गरजा, आसमान मतलब अंबर, वहाँ पे बादल छाया हुआ है, बारिश का मौसम है तो आते हैं ना काले काले बादल, वो बादल छाया हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं पास में। उमड़ उमड़ कर बादल गरजा, जितना गहरा होता है बादल उतना ज़ोर से आवाज़ करके गरजता है, जब बारिश होती है तो सुनते हैं ना हम सब। आसमान पर बादल छाया, उमड़ उमड़ कर बादल गरजा, छम छम कर बादल बरसा, बादल कैसे बरसा है, छम छम कर, बारिश आती है तो हम नाचते हैं ना छम 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 करके, टप टप जल बरसा, जल कैसे बरसा है, टप टप करके, क्या बरसा है, जल, छपक छपक कर राजा नाचा, ये जो राजा है वो कैसे नाचा, छपक छपक कर, हम जो पानी भरा हुआ होता है उसमें करते हैं ना छप छप करते हैं, वैसे राजा नाचा, छपक छपक कर राजा नाचा। राम बहारा, ये खिड़की में जो राम बैठा है ये सब उसे बुला रहे हैं कि राम बहारा, आजा आकर नाच, हमारे संग नाच तू, बादल बरसा है गरजा है, दिख रहा है सबको। चलिए अब मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। आसमान पर बादल छाया,
उमड़ उमड़ कर बादल गरजा, छम छम कर बादल बरसा, टप टप जल बरसा, छप छप छपक छपक कर राजा नाचा, राम बाहर आ, आजा आकर नाच। ये सब क्या था? आ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट पेज सामने बोलिए और अंतर समझिए। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या अलग है। ये अ और ये अ की मात्रा, ओके, मतलब ज और झ की मात्रा। तो ज से जल और झा से जाल। फिर ब, यहाँ पे ब की मात्रा बा, यहाँ ब से बल और यहाँ बा से बाल। फिर म की मात्रा, सॉरी म, फिर म की मात्रा, म से मन और मा से मान। यहाँ पे जल था तो मात्रा लगी तो जाल हो गया, बल था मात्रा लगी तो बाल हो गया, मन था मात्रा लगी तो मान हो गया। आया समझ में क्या अंतर है? मात्रा नहीं होती है तो शब्द बिना मात्रे वाले सादे होते हैं और मात्रा लगती है तो उनका मतलब बदल जाता है, ओके? नेक्स्ट, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आसमान पर क्या छाया, यहाँ पे हमने पढ़ा ना बादल बरसा, उसका प्रश्न है ये। आसमान पर क्या छाया, क्या छाया था आसमान पर? बादल छाया था, तो यहाँ पे आपको लिखना है बादल, ओके? फिर दूसरा, छपक छपक कर कौन नाचा, यहाँ पे छपक छपक कर कौन नाच रहा था? राजा, तो यहाँ पे आपको लिखना है राजा, ओके? फिर आगे, चित्र के सही नाम पर राइट वाला टिक लगाइए। ये टिक लगाना है जो सही नाम है उसके सामने। ये कौन है, कैसा दिख रहा है आपको? माथे पे मुकुट पहना है तो कौन है ये? बाजा है, राजा है या खाजा है? राजा, तो आपको राजा पे टिक करना है, ओके? फिर नेक्स्ट, ये क्या है? तारा, तारा नारा और तार, क्या है? तारा, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। फिर क्या है? गाजर है, टमाटर या बाजा, क्या है ये? तो टमाटर, तो टमाटर पे आपको टिक करना है। फिर ये छाता, राजा गाजर और छाता, तो क्या है? छाता, तो छाता पे आपको टिक करना है। आया समझ में? अभी नहीं करना है, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। टर्न अ पेज। रिक्त स्थान पर अ की मात्रा, मतलब आ की मात्रा लगाइए। चलो यहाँ पे दिया है मात्रा, फिर है ब र स त, तो क्या होगा? बरसात, तो स की मात्रा लगेगी, तो स के पीछे आपको ऐसे मात्रा करनी है, ओके? आगे अ न ज, तो ये क्या होगा? अनाज, तो आपको न की मात्रा लगानी है, तो न के पीछे ऐसे मात्रा खींचनी है, ओके? फिर है म ल, तो ये क्या होगा? माला, तो म के पीछे और ल के पीछे दोनों की मात्रा लगानी है। फिर है स म न, तो ये क्या होगा? सामान, तो आपको स के पीछे और म के पीछे दोनों के पीछे मात्रा लगानी है, तो क्या होगा? सामान। फिर म न व, ये क्या होगा? मानव, तो आपको म के पीछे मात्रा लगानी है। दिख रहा है आप सबको? ओके, नेक्स्ट, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ब्लैंक इधर ला, क्या है यहाँ पे?
छाता, तो आपको यहाँ पे लिखना है छाता इधर ला, तो यहाँ पे लिखना है छाता। लाल ब्लैंक खा, लाल क्या होता है दिख रहा है चित्र में, टमाटर, तो यहाँ पे लिखना है टमाटर, मकी मात्रा लगेगी टमाटर। कमला ब्लैंक पहन, क्या पहनना है, क्या है ये, माला, तो म और ल दोनों की मात्रा लगेगी तो माला। साजन ब्लैंक बजा, क्या बजाना है, तबला, तो यहाँ पे लिखना है तबला। फिर ब्लैंक उमड़ उमड़ कर आए, उमड़ उमड़ कर क्या आए, बादल, तो यहाँ पे लिखना है बादल। आया समझ में आपको, ओके। अभी बरसात होती है तो हम सब क्या करते हैं, नहाने के लिए निकल जाते हैं, कितना मज़ा आता है बारिश में नहाने का, नहीं, मेंढक आते हैं, मोर होता है जो अपनी पंख फैलाकर कला करता है, नाचता है ना। फिर हम कागज़ की नाव बनाते हैं, पानी में तैराते हैं, सब फ्रेंड्स साथ में मिलकर उछल कूद करते हैं और पानी में जंप करते हैं, है ना, करते हैं आप सब, अच्छी बात है। आ गया समझ में आप सबको, ओके। फिर यहाँ पे चित्र चिपकाए, माता और पिता, यहाँ पे अपनी मम्मी का और यहाँ पे आपके पापा का पिक लगाना है, आपको फोटो लगानी है, ओके। देखिए यहाँ पे, चलिए जो हमारी मम्मी है उनकी मम्मी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नानी, और मम्मी के पापा को नाना, तो दोनों न को मात्रा लगी तो वो क्या बन गया, नाना, है ना। हम अपनी मम्मी की पापा को क्या बोलते हैं, नाना, और पापा के पापा को दादा, दोनों में अ की मात्रा लगेगी, है ना। आया समझ में आपको, तो आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं और ये जो हमने सॉल्व किया सब, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24, है ना। आया समझ में आप सबको, ओके। अगर कोई क्वेरी हो तो आप बताना मुझे। चलिए आगे, किससे क्या बनेगा छांट कर लिखिए, दिख रहा है आपको फोटो में, यहाँ पे चित्र में खिचड़ी है ये और ये खीर है, दिख रहा है, ये है दाल प्लस चावल प्लस नमक, तो दाल और चावल और नमक मिक्स करके हमें क्या मिलेगा, क्या बनेगा हमारे लिए, खिचड़ी बनेगी, तो यहाँ पे लिखना है खिचड़ी, यहाँ से देखकर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर ये दूध है प्लस उसमें चावल मिलेगी और उसमें मिलेगी चीनी, तो क्या बनेगा, खीर, है ना, मीठी मीठी खीर, कितनों को पसंद है खीर, अच्छी बात है। आया समझ में आपको, चलिए ये पढ़ना है हमें। मामा आए, ये यहाँ पे सब मात्रा वाले शब्द आएंगे, आप देखिए, मामा आए, मामा आए, हलवा लाए, बादाम लाए, जब भी मामा आते हैं या हम मामा के घर जाते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, किसी के लिए चॉकलेट्स, किसी के लिए आइसक्रीम, किसी के लिए काजू, बादाम, हलवा, जो भी बच्चों को पसंद है वो उनके लिए उनके मामा लेके आते हैं। लाल अनार साथ लाए, मामा आए, मामा आए, यहाँ पे मामा क्या लाए हैं, हलवा, बादाम, लाल अनार, ये सब लाए है ना। राधा झटपट बाहर आ, माला झटपट बाहर आ, ये माला और राधा,
झटपट बाहर आओ, मामा आए हैं, ऐसे बुलाती है ना हमें मम्मी कि चलो बच्चों मामा आए देखिए, ऐसे फिर बच्चे कैसे खुश होकर आता है। बाहर आकर हलवा खा और पका अनार खा। क्या खाने को बोल रही है मम्मी? हलवा और पका हुआ अनार, है ना? आया समझ में आपको? ओके, चलिए तो आपको सब समझ में आया ना। अब हमने जो पढ़ा उसमें से आपको होमवर्क करना है, इसमें कलर भरने हैं, पेज नंबर 21 कलर भरने हैं, ये सब आपका होमवर्क है। फिर पेज नंबर 23, 24 एंड 25, ये वाला और ये वाला, ये आपको भरना है जैसे मैंने सिखाया और आपको समझ में आ गया है ना। तो ये सब आपका होमवर्क है, पेज नंबर 21, 23, 24 एंड 25। ओके, थैंक यू।